बीएसएस कार्यालय में संविदा पर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए 40 प्रतिभागियों ने कंप्यूटर टेस्ट दिया, जिसके संबंध में बीएसए रामेंद्र सिंह ने बताया कि यहां पर स्टेनोग्राफर का टेस्ट चल रहा है, जिसकी परीक्षा डीआईओएस पॉलिटेक्निक व आईटीआई के अध्यापकों द्वारा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमें 40 लोग परीक्षा दे रहे हैं, इसमें इनका टाइपिंग टेस्ट व स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। तब जब ये पास हो जाएंगे तो इनकी मेरिट निर्धारित किया जाएगा, जो मेरिट में पास हो जाएगा उनका चयन किया जाएगा, जो कि बीएसए कार्यालय में संविदा पर ड्यूटी देंगे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह ने कहा, आज स्टोनो जो आसुलिपिक का पद होता है, संविदा का पद होता है, तो स्टोनोग्राफर का टेस्ट हो रहा है। इसमें हमारे डीआर साहब हैं और पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब हैं, आईआईटीआई के एक मैडम एक सर हैं जो ये परीक्षा ले रहे हैं। कुल कितने बच्चे इसमें लगभग? इसमें लगभग 45 बच्चे हैं जो परीक्षा देने आए हुए हैं। तो किस तरह से इनको परीक्षा जाएगा? इसमें जब ये इनकी टाइपिंग टेस्ट और स्टोनोग्राफी टेस्ट में पास हो जाएंगे तो फिर इनका मेरिट निर्धारित होगा, जो भी मेरिट में टॉप होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। कितने पद सर इसमें हैं? इसमें एक पद है हमारे कार्यालय में जी। कितने छात्र? लगभग 40 से अधिक छात्र इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं।